डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, हमें प्रतिदिन दुर्घटनाओं की खबरें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं। टेलीविज़न पर भी हर रोज़ किसी न किसी दुर्घटना की खबर देखने को मिल ही जाती है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ ही मनुष्य के जीवन में भागदौड़ की अधिकता हो गई है। इसके कारण जल्दीबाजी में वह अक्सर लापरवाही बरतने लगता है। इसी लापरवाही के कारण दुर्घटना घटती है। कहा भी जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कभी कभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों एवं आतंकवादी संगठनों द्वारा भी बम विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया जाता है। दुर्घटना जैसी भी हो, कष्टदायक एवं क्षतिकारक होती है, इसलिए हर कोई इससे बचना चाहता है। लेकिन न चाहते हुए भी हमें कभी कभी दुर्घटनाओं का सामना करना ही पड़ता है। एक बार दिल्ली में मैं भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा, किंतु उस समय पहली बार मैंने किसी दुर्घटना को नज़दीक से देखा था। वह फरवरी माह का दूसरा शनिवार था। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। मैं बस से अपने ऑफिस जा रहा था। बस ने जैसे ही धौला कुआं के पुल को पार किया, अचानक एक बाइक बस के सामने आ गई। बस ड्राइवर ने भरपूर शक्ति के साथ ब्रेक पर पांव जमा दिए। अचानक लगे इस ब्रेक से बस के अधिकतर यात्री मानो अपनी सीट से उछल पड़े। जो यात्री खड़े थे उनमें से कई नीचे गिरते गिरते बचे। मेरा सिर सामने की सीट से टकराते टकराते बचा था। सौभाग्यवश किसी को गहरी चोट नहीं आई। बस के रुकने के बाद पता चला कि बस से बाइक बुरी तरह टकरा गई थी। बस का तो एक कोना क्षतिग्रस्त हुआ था, किंतु इस टक्कर से बाइक चूर चूर हो गई थी। बाइक पर 2 युवक सवार थे। वे दोनों छिटक कर काफ़ी दूर जा गिरे थे। कुछ बस यात्री उतर कर उनकी ओर दौड़े। वे दोनों बुरी तरह घायल थे। लोग उन्हें अस्पताल ले जाने की बात करने लगे। टक्कर से हुई क्षति से बस आगे जाने लायक नहीं रह गई थी, इसलिए बस यात्री दूसरी बसों में सवार होकर अपने अपने गंतव्य को चले गए। कोई भी घायलों को अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हो रहा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी स्वार्थी हो गई है। यहाँ 2 लोगों की जान पर आ पड़ी है और सबको समय पर ऑफिस जाने की चिंता सता रही है। कुछ लोग तो पुलिस के पचड़े में पड़ने के डर से उन दोनों घायलों के समीप भी नहीं गए। पाई पैराचेंज, उन दोनों को काफ़ी चोट आई थी। उनके शरीर से खून निकल रहा था। एक की हालत तो कुछ ठीक भी थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल बेहोश था। जिसकी हालत थोड़ी ठीक थी वह थोड़ा चल फिर सकता था। उसने अपने घर वालों को फ़ोन पर इस दुर्घटना की सूचना दी। उसका घर गुड़गांव में था। जब तक उसके घर वाले आते तब तक कुछ भी हो सकता था। उनके घर वालों के आने से पहले जितनी जल्दी हो सके उन्हें अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी था। मैंने पास खड़े एक व्यक्ति को साथ देने के लिए कहा, वह तैयार हो गया। सबसे पहले मैंने एम्बुलेंस बुलाने के लिए सफदरजंग
ट्रॉमा सेंटर फ़ोन किया तथा पुलिस को भी सूचित कर दिया। 10 मिनट के भीतर ही एम्बुलेंस आ गई। ढोला कुआं से सफदरजंग ट्रॉमा सेंटर पहुंचने में हमें मुश्किल से 15 मिनट लगे। दोनों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इसके बाद वहां पुलिस भी आ गई। मैंने पुलिस को विस्तार से घटना के बारे में बताया। अस्पताल में मैं करीब 2 घंटे तक रहा। इसके बाद दोनों घायल युवकों के घर वाले वहाँ आ गए। उनमें से एक ने उनकी बाइक के बारे में मुझसे पूछा। मुझे उनके इस सवाल पर आश्चर्य हुआ। उनका परिजन यहाँ जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और उनको अपनी बाइक की पड़ी है। पुलिस ने सूचना दी कि बाइक ढोला कुआं थाना पहुँच चुकी है। कुछ आवश्यक कार्रवाई के बाद वह उन्हें सौंप दी जाएगी। मैं वहां से चलने ही वाला था कि नर्स ने हम सबको बताया कि दोनों युवकों की हालत अब ठीक है और उनमें से एक जो बेहोश था उसको भी होश आ गया है। दोनों के सही सलामत होने की खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब नर्स से पूछा कि दोनों कब तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उसने बताया कि वे दोनों 1 महीने के भीतर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इतना जानने के बाद मैं वहां से चलने को तैयार हो गया। तभी दोनों युवकों के अभिभावकों को मेरे और मेरे साथ आए व्यक्ति के बारे में पता चला कि हमने ही उनके परिजनों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी। वे हमारे पास आए और उन्होंने हमारा आभार मानते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि यह तो मेरा फर्ज था। इसके बाद मैं ऑफिस के लिए चल पड़ा। ऑफिस आते हुए मैं यही सोच रहा था कि मानव जितनी तेज़ी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है उतनी ही तेज़ी से उसमें मानवीय गुणों का ह्रास भी होता जा रहा है। मानवता के बिना जीवन का क्या मूल्य रह जाएगा? लोगों को कब यह बात समझ आएगी? कोई पुलिस के डर से किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता तो किसी के पास काम में व्यस्त होने का बहाना होता है। यदि हमारे आसपास के लोग दुखी हैं तो हमें जीवन में कैसे आनंद प्राप्त हो सकता है? लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं, यह तो मुझे पता था, लेकिन भौतिकवादी होने के साथ साथ अत्यंत स्वार्थी भी होते जा रहे हैं। इसकी खबर मुझे नहीं थी। इस दुर्घटना ने मुझे मानव का असली चेहरा दिखा दिया। यदि ऑफिस देर से पहुंचने का कारण किसी व्यक्ति की जान बचाना रहे तो ऐसी देरी में क्या बुराई है? पाई पराचेंज। मैं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया हूँ। मेरे अभाव में लोगों का जीवन अत्यंत कष्टप्रद हो जाता है। जिनके पास मैं नहीं होता उन्हें लोग दरिद्र एवं निर्धन कहते हैं। आइए आज मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मुद्रा के रूप में मेरी उत्पत्ति बहुत पहले ही हो गई थी और सिंधु घाटी सभ्यता में भी मेरा प्रचलन था, किंतु आज मैं अपने भारतीय स्वरूप रुपया की चर्चा करूँगा। मेरे इस नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रुपया से हुई है जिसका अर्थ है चांदी। रुपया से बना शब्द रुपयकम अर्थात चांदी का सिक्का। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल
1540-45 ईस्वी के दौरान किया था। उसने जो रुपया चलाया था वह चांदी का सिक्का था, जिसका भार लगभग 11.5 ग्राम था। मुगल काल के दौरान मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए मिश्र धातुओं के रुपयों का प्रचलन हुआ। स्टॉक